Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. So guys, we're back with another vlog, and it's a collab with my cousin Harshi Chaudhary. Inka YouTube channel bhi hai, must watch his YouTube channel. Link is given in video description aur end screen mein bhi inki video. Aur main hu Bahawalpur mein aur aaj hum ja rahe hain kahan pe? Lal Suhanra National Park mein aur wahan par Deer Paradise mein bhi hum jayenge. और वहाँ कवर करेंगे लाल सुहाना में डिफरेंट जुजू वाला एरिया सफारी पार्क. सो लेट्स गो. लकीरें बने पत्थर पे जो बोलू मैं, कितनों को बख्शा और कितनों को छोड़ू मैं. दस बरदार हुए घर बर्बाद, बहुत हार्ड वाले कितनों को तोड़ू मैं. बड़वा तो बातें मेरी मीठी नहीं, बचपन से ही मीठी बातें सीखी नहीं. तीली नहीं मेरे मन में है लावा, मैंने किसी से नहीं सीखा. I am self made, सारे planned out भाई तेरा one take. बॉर्डर पार मैं बना चुका हूँ फैन बेस. तो गाइस ये रोड है बगदाद रोड ये जी बगदाद. तो बगदाद रोड से आप लोगों ने स्ट्रेट जाना है और यहाँ से 32 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है. GPS आप ऑब्वियसली यूज़ करें और लेफ्ट साइड पे कुछ सोसाइटीज जाएंगी, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी और डिफरेंट सोसाइटी, जापान टाउन और डिफरेंट. तो गाइस सबसे पहले रास्ते में डेरा बखा आएगा, सिटी स्मॉल टाउन है. फिर आएगा लाल सुहानरा नेशनल पार्क. और ये नेशनल पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है और इट इज़ वन ऑफ द साउथ एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. और इसके अंदर डेजर्ट एरिया भी है, फॉरेस्ट भी है और वेटलैंड भी आता है. और गाइस यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान और साउथ पंजाब में बहावलपुर डिवीजन में, बहावलपुर एरिया में. ये इधर से मुड़ेंगे और उधर से टर्न लेके यू टर्न. सो गाइज वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड लाल सुहाना नेशनल पार्क और यू टर्न लेके हम इस एरिया में आ गए हैं और थोड़ी देर में ये लिंक रोड हमें कनेक्ट करेगी. और फर्स्टली पहले हम जाएंगे कहाँ पे, पहले हम कहाँ जा रहे हैं? सफारी सफारी डियर पैराडाइज वाली साइड.
सो गाइस पहले हम डियर पैराडाइज एरिया में जाएंगे, पहले उस पॉइंट पर, और फिर हम नेशनल पार्क में जाएंगे। आगे बड़ी वाली भी है। सो गाइज दिस इज बहावल कैनाल, बहुत बड़ी कैनाल है ये, और ये है बहावल कैनाल, यहाँ की फेमस कैनाल है। वो भरी पड़ी है इस बार तो ये, और ये ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने वेलकम टू लाल सुहाना नेशनल पार्क, लेकिन इसमें हम अभी नहीं आ रहे। सेव वाइल्ड लाइफ। हाँ इस वक्त तो अभी हम जा रहे हैं डियर पैराडाइज में, और फिर जब हम वापस आ रहे होंगे तो हम नेशनल पार्क में आएंगे। It's so beautiful, guys. Wow, guys, look at the greenery. It is so beautiful here. बहुत ही प्यारी ग्रीनरी है यहाँ पर. Guys, इसे UNESCO ने डिक्लेयर किया है बायोस्फीयर रिजर्व. लाल सुहानरा नोटेबल है फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स लैंडस्केप, जिसमें डेजर्ट आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम्स हैं। ये 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है ईस्ट ऑफ बहावलपुर, और इसका जो एरिया है वो 127,480 एकर्स तक है, विच यू कैन से 127K एकर्स, जिसमें से 20,974 एकर्स जो हैं वो ग्रीन है, ग्रीन लैंड है, इरीगेटेड प्लांटेशंस है, और 1,726 एकर्स जो हैं वो ड्राई है, ड्राई लैंड है जो कि डेजर्ट है, और उसमें से 4,780 एकर्स जो है वो वेट लैंड है, पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। तो गाइज इस वक्त अब हम जा रहे हैं ब्लैक बक एनक्लोजर, डियर पैराडाइज का कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, ब्लैक बक एनक्लोजर एरिया है यहाँ पर, वहाँ हम जा रहे हैं जहाँ पर डियर्स हैं, उनके डिफरेंट स्पीशीज हैं। और गाइज इस पूरे नेशनल पार्क में, इस पूरे एरिया में, लाल सुहाना में डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो मिलती हैं यहाँ पर, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं डेजर्ट के, फॉर एग्जांपल एशियाटिक वाइल्ड कैट्स यहाँ पर हैं, रैबिट्स हैं, बस्टर्ड्स एंड डियर, और रेप्टाइल्स जो पार्क में अवेलेबल हैं उसमें मॉनिटर लिजर्ड है, रसल्स वाइपर है, पाकिस्तानी कोबरा है, सॉ स्केल्ड वाइपर, वुल्फ स्नैक है, जॉन्स सैंड बोआ एंड स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड है इधर, और 160 स्पीशीज़ बर्ड्स की 160 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है। सो गाइज अभी हम मुड़ रहे हैं ब्लैक बक एनक्लोजर की तरफ, और इसके बाहर एक बोर्ड होगा ब्लैक बक एनक्लोजर की, ये जो गिफ्ट दिए गए थे डियर्स का US की तरफ से, UK की तरफ से, WWF ETC, लेकिन इसके बारे में फेमस है कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्चुअल में इसी एरिया की हैं, पाकिस्तान लैंड की हैं, और ये जो इंडियन एरिया ये वाला चोलिस्तान का, इसी एरिया से ये लोग, इंग्लिश लोग यहाँ से ले गए थे इनको चुरा कर, और इन्होंने हमें गिफ्ट में, इन्होंने बाद में हमें ये दे दिया, हमारी ही स्पीशी हम ही को इन्होंने गिफ्ट किया यहाँ पर। सो गाइज दिस इज़ ब्लैक बक एनक्लोजर गिफ्ट ऑफ WWF USA एंड नैदरलैंड्स, USA और नैदरलैंड्स आई थिंक उन कंट्रीज़ ने ये डियर्स गिफ्ट किए होंगे, आई थिंक सो, एंड मे बी फंड भी किया उन्होंने। तो गाइज ये इसका मेन गेट है, और इन्होंने लॉक किया हुआ, आई थिंक देखते हैं, बात करते हैं। तो भाई ये है डियर्स यहाँ पे, लेट्स गो सिट ऑन चेयर्स। अभी मैं यहाँ चेयर्स पे बैठ जाते हैं,
ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਵਿਲੇਜਰ ਜੱਟ ਕੁੜੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਕੁੜੀਏ। सो गाइज अभी हम यहाँ पे ब्लैक बक एनक्लोजर डियर साइट पर आए हैं और अभी वी आर सिटिंग हियर और हम नज़ारा ले रहे हैं डियर्स का और इधर हम कुछ खाएं पिएंगे और थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे और फिर हम फिर चले जाएंगे नेशनल पार्क। फिर हम वापसी में हम नेशनल पार्क जाएंगे और जो बहावल कैनाल है यहाँ की फेमस और काफ़ी बड़ी कैनाल है जो फर्दर टू सब कैनाल्स में डिवाइड होती है और अभी तो भरी हुई है। वैसे लास्ट टाइम एम्प्टी थी जब आशीष चौधरी का व्लॉग आप देखें इनके चैनल पर डियर पैराडाइज और नेशनल पार्क के नेम से सिनेमेटोग्राफी भी है और उस वक्त ड्राई थी, अभी वो काफ़ी फिलअप है और हम फ्लड वगैरह भी है ना काफ़ी। यस और ये सतलुज उन्होंने ब्लॉक किया ऑब्वियसली और अभी उन्होंने छोड़ा हुआ पानी। साइड इज़ सो ब्यूटिफुल, लेट मी शो यू गाइज दीज डियर्स। काश के जूम इसका और भी होता। चले जाते हैं दफ्तर, चले जाते हैं। और इनके पास जितना पास जाओ उतना और भाग के जाती हैं आगे। वो लास्ट टाइम नहीं इधर जब खड़े थे, हाँ तो मैं उधर भागूं वो और भाग पड़ी आगे। हाँ सो गाइस वो जो इसमें ब्लैक कलर के भी हैं दो तीन, दीज आर द ब्लैक स्पीशीज रेयर वन, बहुत रेयर है ना ये, रेयर होती है। हाँ और ये काफ़ी रेयर हैं पूरे वर्ल्ड में, ये ब्लैक डियर्स हैं यहाँ पे और स्पेशली लोग यहाँ पर ऑल ओवर द पाकिस्तान और या जो टूरिस्ट होते हैं वो लाल सुहाना नेशनल पार्क को विजिट करते हैं, दे कम टू सी हियर दीज ब्लैक डियर्स और यहाँ पर चिंकारा और डिफरेंट। इनके करीब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए हम सुकून से बैठे हुए हैं। सो गाइस हम इनके करीब इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि करीब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था ना उसमें मैं करीब भागे हैं और बस भागते रह गए इनके पीछे क्योंकि ये अपने करीब आने भी नहीं देती, इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है ना। तो हम आपको इधर बैठ के सुकून से दिखाएँगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना तब इसलिए पीछे भागने लग गया इनके। ऑब्वियसली एनिमल्स गेट स्केयर्ड कि आप उन्हें हार्म ना पहुँचाएँ तो दे रन अवे। बताओ अहमद कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत मज़ा आया, इधर बहुत मज़ा आता है। ब्लैक आप भी आए ना? ब्लैक डियर देखे हैं आपने? हाँ बहुत मज़ा आया। पास प्रेजेंट और परफेक्ट बोल के तीन ही जुमले बोले, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं वो बोर अचानक से आया ना उसका, तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत प्यारी है बहुत प्यारी, अचानक से उसका वो फनी टाइप बन गई। वो जू वाली थी मेरे ख्याल में। मैंने कहा बहुत प्यारा है यार बहुत प्यारा। रस्सी से आगे जाना मन है, वो इधर तो कोई रस्सी नहीं लगी, रस्सी है किधर? लास्ट टाइम उस साइड पे गए थे मोहसिन भाई हम, वो ऊपर चढ़ के उस साइड पे ना उनका खाना भी रखा हुआ है और पानी भी रखा हुआ है और उधर वो देख कैसे रही है वो। मुझे लगता है ये डियर जो ना वॉशरूम कर रहा है शायद। नहीं नहीं वो वैसे ही हमें देख रहा था खड़ा। और अगर ट्राई भी किया ना उसने अलग बात करनी और इन्होंने वो पीछे ग्रीन ट्रीज तक पहुंच जाना जंप करते हुए। इनकी स्पीड भी तो इन्हें लगता है पता नहीं क्या हुआ, पिछली बार भी गए थे वो भाग के उतने ही आगे चले गए थे। हाँ ना
बिला वजह हलकान होने की जरूरत नहीं, हमें बिला वजह भागने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हम जाते हैं नेशनल पार्क की तरफ, लाल सुहाना नेशनल पार्क। उसमें जू एरिया है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, राइनोसॉरस भी है, राइनो और डिफरेंट और भी है, हाँ डक्स और थोड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस अभी हम पार्किंग से निकाल रहे हैं गाड़ी एंड अभी हम जाएंगे नेशनल पार्क की तरफ। इट वॉज नाइस विजिटिंग हियर ब्लैक बक एनक्लोजर, लव्ड इट। कैनाल है जिस लिंक रोड के साथ साथ चल रही है और 4 to 6 kilometers का डिस्टेंस है नेशनल पार्क से ब्लैक बक एनक्लोजर का। तो भाई ये वो ब्रिज है यहाँ पे बावल कैनाल के ऊपर और इसके सामने ही गेट है, दैट गेट, ये येलो गेट नेशनल पार्क का और ये इसकी एंट्रेंस है। अभी तो हम पार्किंग एरिया में पार्क करेंगे। हाँ ये पहले तो पार्किंग एरिया में पार्क कर लेते हैं, इसको चिल्ड्रन पार्क भी कह रहे होते हैं, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं चिल्ड्रन पार्क के, नेशनल पार्क भी है, अदर नेम्स चिल्ड्रन पार्क और ये बाहरी इसका पार्किंग एरिया है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? ये इधर खड़े होते हैं छाँव में। बड़ा इधर भी रहा है। ये जो मिक्स हो रहा था ना और इधर क्रीमी क्रीमी सा चाय लग रही है। वाह मुझे इसमें चाय नजर आती है। हाँ बचपन में मैं भी यही बोलता था चाय चाय। ये तो चाय है खैर, और वाकई में कलर वैसे ही है। तो गाइज हम यहाँ खड़े हैं बावल कैनाल ब्रिज पर। हमारी बैक साइड पे जो कैनाल है ये बावल कैनाल है, यहाँ की सबसे बड़ी कैनाल बावल कैनाल।
ना ना ना, हाँ वो फिल्टर बना है, एक तरह का फिल्टर भी हो रहा है यहाँ पे इधर से। तो यहाँ पे जितना भी ये जो पानी में पत्ते गिर जाते हैं या लोग फेंक देते हैं सब, या फिर वो जो गार्बेज जो है खुद भी उगते हैं ना वो, हाँ वो वाले, हाँ वही कुछ होते हैं। ये भी सारे यहाँ आए हुए हैं और ये फिल्टर हो रहे हैं एक तरह से, और ये ब्रेक पॉइंट भी बना हुआ है, और शायद ये थोड़ी बहुत यहाँ बिजली बनाते होंगे। बैरेज है ये एक तरह का, ब्लॉकेज दी हुई है इसको, शायद बना रहे हूँ थोड़ी बहुत। तो तरह का बना हुआ था इस वाली नहर में, ये खाली थी ना इसलिए, अब ये खाली है इधर बनेगा। ये भी एक छोटा सा सेक्शन है, और गाइस डिफरेंट अब क्योंकि इसे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, टू कैनाल्स में ये डिवाइड हो रही है। ये यहाँ पे अहमदपुर ब्रांच एक कैनाल है, इस साइड पे एक कैनाल है बाउल कैनाल, और यहाँ पे आई थिंक ये दो अहमदपुर ब्रांच है। हाँ ये अहमदपुर जा रही है, अहमदपुर ब्रांच इस पर लिखा भी हुआ है। ये कैनाल अहमदपुर को जा रही है और एक वो दूसरी कैनाल है। सो गाइस हेड रेगुलेटर एट तेल बहावल कैनाल इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब, ये इधर बोर्ड लगा हुआ है, और ये कंप्लीट इसका ये यहाँ पे सेपरेशन हो रही है इसकी कैनाल की, बहावल कैनाल की। और ये यहाँ पे डाटा बोर्ड है, डाटा बोर्ड टेल ऑफ बहावल कैनाल, डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी, सप्लाई लेवल क्या है, डेप्थ क्या है, और बेड लेवल, विड्थ, डिस्चार्ज, वाटरवे, वर्किंग हेड, क्रेस्ट लेवल, ये डिफरेंट इसमें टेल्स इसमें डिटेल्स दी हुई है। तेल बहावल कैनाल है जो मेन कैनाल है, और अहमदपुर ब्रांच में स्प्लिट हो रहा है, और एक ब्रांच है इसकी डेजर्ट ब्रांच ICE, और एक और भी है आई थिंक ये 3LBC किसी गाँव को जा रही है। अभी हम जाते हैं वहाँ पे नेशनल पार्क में। काश ये ना चाय की नहर होती। मुझे ना चाय की तलब हो रही है ना, मुझे चाय नजर आ रही है। चॉकलेटी चॉकलेटी सी कैनाल है, ब्राउन कलर, ब्राउन ब्राउन। मुझे चाय के अंदर मुझे अपना पहला फर्स्ट लव नजर आ रहा है मेरी चाय। हाँ चॉकलेटी कैनाल। तो ये बोर्ड नेशनल पार्क का। तो ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, उस साइड पे पार्किंग थी जो हमने वहाँ पे खड़ी की अपनी गाड़ी, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। गाड़ी का दाखिला मना है, ये तो हमें पता ही नहीं था हमने ऐसी गाड़ी। अंदर से लेंगे जो भी। लास्ट टाइम दो बच्चे थे ना, हाँ वो मुझे कहते क्या भाईजान पॉपकॉर्न ले लो, फिर कैसे टोकन ले लो। टोकन वाला कहाँ है? वो रहा वही हो। फिर मैंने उनको बोला था, मैंने कहा ऑडियंस को सलाम कर फैम बॉय बोल। फैम बॉय फेल लूँगा। फैम बॉय ऐसा हो मैं पाकिस्तान का दूसरा गेट। तो इसकी मेन एंट्रेंस है, ये गेट है। चलो 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 आ जाओ।
के नेशनल पार्क में और जलागात में यहाँ टिकट वगैरह कोई नहीं है, फ्री टिकट है, ओपन है, कोई टिकट नहीं लेनी है आपने। एंड यू कैन विजिट दिस नेशनल पार्क। बाकी आपने आने जाने के एक्सपेंसेस और कार पार्किंग और डिफरेंट चीज़ें आपने मैनेज करनी है, बाकी इसकी अपनी कोई टिकट नहीं है। एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ये बस फैमिलीज की तरफ नहीं करना, वो कहेंगे ये क्या किया, क्या क्यों है, किसे रिकॉर्ड कर रहे हो? ये कैंटीन टाइप कर रहे हो? हाँ ओके, बंद है कोरोना की वजह से। अच्छा बंद है ये, यानी फिर हमें पॉपकॉर्न ही लेने पड़ेंगे सिर ऊपर से कमाल। अच्छा पर वैसे गन्ने का जूस भी है, वो भी पियेंगे। हाँ और वो भी है। वैसे कोरोना की वजह से ये कैंटीन यहाँ पे है, कैंटीन एरिया, लेकिन ये बंद है कैफेटेरिया। मिनी जू की ये ब्रांच लिखी हुई है भाई, बहुत प्यार है ग्रीन। हम ऐसा करते हैं अभी, हम इसमें बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं यार, गेट्स पे। ओ हाँ शहर से अलग करके ना। अच्छा गाइस यहाँ एक मिनट, हाँ ये बात तो ना फ्रंट पे कहने वाली बात है फ्रंट करके। हाँ तो गाइस यहाँ पे लोग ऑब्वियसली जैसे हर पार्क में होता है, यहाँ पे भी लोग ना डेटिंग के लिए आते हैं शहर से साइड पे करके ना। हाँ इस जगह हो जाते हैं हम छाँव में। तो गाइस यहाँ पे लोग डेट वगैरह मारने भी आते हैं। वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, आई डोंट नो व्हाई दे चूज दिस लोकेशन, शायद इसलिए क्योंकि इस शहर से हट के है। ये तो खैर फन पार्ट है, यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं कुछ बच्चों के लिए, और थोड़े यहाँ पे केजेस भी हैं जिसमें कुछ एनिमल्स वगैरह छोटे बहुत ये कौन सी उर्दू है? अच्छा थोड़े बहुत यहाँ पे एनिमल्स हैं और बिल्कुल भी कमाल की है। चलो ये झूलों को, हाँ ये हो गए झूले। शायद अपकमिंग शायद अफरीदी। तो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं स्पेशली, और गेम्स खेलते हैं आउटडोर गेम्स, इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करने का बड़ा मज़ा आता है। ओह तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो गाइज अभी जब आप पार्क में स्ट्रेट आते रहेंगे ना ट्रैक में, ये छोटी मोटी वैसे कैनाल दी हुई हैं जंगल को, ये जंगल आ रही हैं, ये जंगल है यहाँ पे, आवाज़ें सुने इसको, ये जंगली मुर्गे शुरगे होंगे या फिर उधर भी केजेस होंगे शायद। नहीं केजेस तो नहीं होंगे जंगल में, कहाँ केजेस होते, ये तो डक्स की भी हैं आवाज़ मिक्स ही है ना। तो ये है वो लाल सुहानरा का फॉरेस्ट, इसमें एक सेक्शनिंग डेजर्ट एरिया की भी है, थोड़ी सी फॉरेस्ट है और वो डियर वाला एरिया जो था। क्रॉसिंग तो यहाँ से है नहीं अवेलेबल, आवाज़ें बनता ये एरिया आपने नहीं देखा होगा, आप लाल सुहानरा से डायरेक्ट आते जाएँ पार्क में, नेशनल पार्क जो है, फिर ये बाउंड्री वॉल आती है बैक साइड पर झाड़ियों के पीछे, ये एरिया जा तो हम सकते नहीं उधर, आ जाओ वापस। कोई चीज है ना, आवाज आ रही है, गायब हो गई, गोल गोल। चलो चलते हैं, वो बंद ये बाउंड्री यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है, जो कि यहाँ पे इन्होंने तारों को भी प्रेस कर दिया, कांटा तारें जो है लगी हुई, और वापस यहीं से एंट्रेंस है। इधर हमें लकड़हारा मिला था, कहता आजो आजो मैं ही हूँ। और अब किधर गए भाई? तू हमारा मामा लगता है। बंदा पूछे मैं ही हूँ, ऐसे बोला जैसे पता नहीं, मैं जानता हूँ सदियों से बंदे को, सारे इधर ऐसे हैं। गाइस यहाँ पे सुनने में है वांटेड फॉरेस्ट भी है कहीं पे, यहीं पे है ना, है ना ये फॉरेस्ट में वांटेड फॉरेस्ट, और शायद ये वाला एरिया ना वही हॉन्टेड फॉरेस्ट ही था, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिला प्रॉपर जाने के लिए। मे बी इट वाज हॉन्टेड फॉरेस्ट, स्पूकी। हाँ मेन रोड से
वो जब हम डियर पैराडाइज वाले हाँ वहाँ पे एक बोर्ड भी वैसे लगा हुआ है हॉन्टेड फॉरेस्ट का, यहाँ कहीं पे है जरूर, एंड ऑब्वियसली फॉरेस्ट में स्नेक्स वगैरह तो होते ही हैं, हमारी मुलाकात तो नहीं है किसी से। अभी हम थोड़े से केजेस देखते हैं, इस ट्रैक से जाते हैं। अच्छा इधर गर्मी लगेगी, चलो फिर आ जाओ। हाँ चाहो नहीं है, दिस रियली इज अ फॉरेस्ट, काफी प्यारा व्यू है यहाँ पर। तो गाइज ये जो है ये एरिया, हाँ ये इस पार्क के मैनेजर का ऑफिस है। अच्छा ये चट्टा केजेस की इनॉग्रेशन का बोर्ड है और यहाँ पे कुछ पिजन्स हैं। यस दीज आर पिजन्स, कुछ कबूतर रखे हुए इन्होंने यहाँ पे। तो दो कुछ और है, मिक्स ही किया इन्होंने। ये डब्स है क्या? अच्छा और ये ऑस्ट्रेलियन तोते शोते, ये रहा डब, ठीक है यहाँ वो ये डब्स है। ओके दीज आर डब्स, ये और ये आ गए हैं भाई, वही वही चीज है। गुनी फाउल, गुनी फाउल उर्दू में लिखा है गुनी फाउल, सो दीज आर गुनी फाउल्स। गुनी होती है, बहुत गुनी है, दो वाला गुनी बड़ी गुनी है। इधर बोटिंग शूटिंग थी ना, झील है। हाँ गाइस यहाँ पे ये बोट है जो उल्टाई हुई है इन्होंने, वैसे इधर आगे भी बोट है बल्कि तो हाँ यार वो आगे भी है बोटिंग ये यूज में नहीं है इनके, लेकिन यहाँ बोटिंग भी करते हैं। अच्छा हम बोटिंग का भी वो करेंगे, सीन दिखाएंगे। हाँ अभी फिलहाल हम वो देखते हैं। तो ये असल में ना झील का बोर्ड लगा हुआ है और उधर झील है और बोटिंग बोटिंग भी वो करवाते हैं आपको। चलो पहले केजेस कवर करें। वैसे टिकट कितने की थी इसकी? टिकट कितने की थी? मुझे 70 की थी, मैं गया था ना इनके, मैंने जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने लिया ही थे। चलो वो पूछ लेंगे ना। तो ये यहाँ पे है ब्लू पी फाउल है, ये पी फाउल मोर है, ये मोर पी फाउल। अहमद आ जाओ अगेन, ब्लू पी फाउल। ये भी वही है, ब्लू भी है बीच में, ग्रीन भी है, पता नहीं कौन कौन सा कलर है लेकिन बाहर ब्लू ही लिखा है। पाइड, और ये पाइड पी फाउल, ये उनकी डिफरेंट स्पीशी आ गई है। जो वाइट वाइट और अंदर ग्रीन भी होता है उधर, वो भी हैं, रैबिट्स भी हैं। ये ब्लैक रैबिट भी हैं। अच्छा वाइट क्यों नहीं है? सो गाइस दीज आर रैबिट्स, ये रैबिट्स का केज है इधर छोटा सा। ओ चुनु मुनु, और यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं बदतमीज से, वो जो कि जानवरों जैसी आवाज़ें निकालते हैं, लगता है उन पे ना ये केजेस का असर हो गया। सारा दिन जो इधर रहते हैं फिर असर तो होना ही है जानवरों का। ये हमारे सामने कुछ केजेस हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे हम जाएंगे। हाँ फिलहाल सारे ना रूठे हुए हैं। इधर हमें मिलेगा एक बंदर भी, माशाल्लाह बंदर बंदर भी मिलेगा। अच्छा मैक्सिमम यहाँ पे ना पी फाउल्स ही हैं, ये देखिए डिफरेंट, ये जुए निकाल वाइट पी फाउल, और ये मंकी भाई इधर है पिछले वाला, इसकी हाँ पिछले वाला क्या कर रहे हैं भाई, मंकी जुए निकाल के खा रहा गंदा। ठीक है वो लाइसेंस शाइसेंस निकाल रहे हैं, एक दूसरे की जुए निकाल रहे हैं, और ये भाई रॉन्ग हरकतें कर रहे हैं। ये फैमिली ऑडियंस है इसीलिए हम आपको ये नहीं दिखा रहे। ये फैमिली ऑडियंस के लिए इसलिए ये हम नहीं दिखा रहे। इसको हम थोड़ा सा ब्लर करेंगे और आपको दिखाएंगे।
तो ये रिंग नेक कैप्चर हो गया। मैं कर रहा था इसके थ्रू, मैं देख रहा था ये क्या कर रहा है। वो अच्छा सही है। लो पूरा हो गया। तो ये लो पूरा शरारते करते हैं बस, उल्टी सीधी हरकतें। ये वाला सही है, ये केज मजे का। हर तरह के हर तरह के कीचड़ है भाई। ओके दीज आर पी फाउल्स, वाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, ये सारे पी फाउल हाउस है आई थिंक। बड़े वाला ग्रैंड पी फाउल हाउस। अब ये शोर नहीं मचा रहे, जब शोर मचाते ना बड़ा मजे के लगता। शाम के टाइम है ना, शाम के टाइम इन्होंने शोर मचाते हैं। इन्होंने पार्क अपने सर पे उठाया था सालों ने। और ये काफी स्मेली है। अब हम आगे जाते हैं। फिर पी फाउल्स के आगे ना ये राइनो वाला सेक्शन आया था, गैंडे लिखा हुआ इधर, लेकिन गैंडा एक ही है। गैंडे लिखा हुआ, गैंडा एक है, गैंडे गैंडे रखा होगा उसके एक फैमिली में से एक होगा गैंडा। नहीं ये क्यों सा जोक था, वो किधर गया। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah. तो ये झील है गाइस, यहाँ बोटिंग वगैरह को पूछेंगे। ये बंद है जी, यहाँ पता नहीं आपको बंद है। बंद है। लो यार कोरोना की वजह से ही बंद किया। सीढ़ियों पे बना लेंगे। तो गाइस ये इधर की झील है नेशनल पार्क में, और ये यहाँ पे दो तीन बोट्स भी हैं। हम सोचे थे कि हम आके यहाँ पे ज़रा बोटिंग वगैरह के मज़े लें, लेकिन कोरोना के बाद से कई चीज़ें बंद हैं यार। कोरोना के बाद से कई चीज़ें बंद हैं यार। ये भी बंद है। चलो अभी हमने काफ़ी हद तक एरिया कवर कर लिया। यही है नेशनल पार्क, बहुत प्यारी जगह है पिकनिक के लिए, बेस्ट जगह है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ओह यस, खेलेंगे, घूमेंगे, अजीब अजीब जानवर देखेंगे, बंदर जैसे। और बस मतलब इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। और वो जो बोर्ड पर लिखा हुआ था वो भी देखेंगे। बोर्ड पर अच्छा। हाँ। राइनो साहब भी यहाँ पे कहीं पे शर्मा के छुपे हुए थे, वो भी हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन वही उसका केज है। और जाने वाले में शायद आपको दिखा सकें हम। हाँ एरियल में हम ट्राई करेंगे, एरियल व्यू उसका, वो भी हमने कैप्चर किया है, वो आपको दिखाएंगे अगर आपको दिख जाए उसमें। तो गाइस वो वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, और सामने में खासे वजू करने के लिए जगह, मस्जिद अक्सा भी है, और ये मस्जिद है अक्सा। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। Thank you.
आप ऊपर ही रहो, आप नीचे ना। इससे पकड़े ना, यार आप ऊपर चढ़ाएंगे कैसे ऊपर? आई होप कि आप लोगों को बहुत ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी आप लोगों के लिए वीडियोस। डू सब्सक्राइब टू माय कजिन्स चैनल HashiCH अगर आप सर्च करेंगे, और एंड स्क्रीन पे भी इनकी लाल सोना का वर्जन जो है इनका, वो एंड स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इनका चैनल लिंक है। डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही क्रिएट्स ऑसम व्लॉग्स। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग।